Assalam alaikum student, I am Salman Ehsan, welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. Student, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली एक साथ तीन दिए गए हैं, तो कोई इतनी मुश्किल की चीज़ नहीं है. यानी कि आपको डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको यूज़ करते हुए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, ये चीज़ प्रूव करनी है. यानी कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल आएगी और यही चीज़ ये चीज़ आएगी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ये चीज़ ले आओ, ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये चीज़ ले आओ, जो आपका आसान आपको लगता होगा उसको हम फॉलो करते हुए हम करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद में ये करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्रूव कर देंगे. फिर उसके बाद ये चीज़ है वो इसको लेंगे, तो इनमें से जो चीज़ आपको ईजी लगती होगी उसको सोल्व करते हुए दोनों साइड लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल आ रहा होगा. और फिर जब हम इन दोनों को इक्वल लेंगे तो वो भी एक दूसरे के सेम आ जाएंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए. तो सिंपल ईजी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा. तो चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है, जो कि दिया है ये सिंपल. हमें कहा गया है कि भाई ये जो तीनों जो डिटरमिनेंट है वो सेम लेके आ जाओ, सिंपल ये काम करना है. तो चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले एक डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. सही है जी, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए वाई पी क्यू एक्स ए पी जेड सी गामा. ऐसा ही है, गामा ही आर है, आर है, सॉरी आर है, अल्फा बीटा गामा तो दिए नहीं है यहाँ पे, पी क्यू आर दिया हुआ है, सही है. इसीलिए उसके अलावा थर्ड क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी. सही जी बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इतनी मुश्किल की चीज़ नहीं है. बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हम तीनों को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, सही है, फिर उसके बाद में हम इनको लेंगे, सही है. तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे बारी बारी. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट वी सोल्व, ठीक है जी, फर्स्ट वी टेक या फर्स्ट वी सोल्व, जो आपका दिल करे, अच्छा समझ लगते हैं, जिसके स्पेलिंग ईजी लगे वो आप लिख दें. फर्स्ट वी टेक, सबसे पहले जो हम लेंगे उनका सोल्यूशन जो प्रूव करेंगे वो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है जी, ये इक्वल लेके आएंगे किसके, इसके वाई पी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, सही है जी, इसके. तो इन दोनों को हमने सोल्व करना है, तो ऐसा क्या करें कि ये चीज़ हमारे पास बन जाए, सही है. तो ज़रा देखते हैं ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉल्यूशन ज़रा देखें. तो सबसे पहले अगर इसको हम यूँ कर दें और इसको यूँ कर दें और इसको यूँ कर दें और उसके बाद रो का कॉलम बना दें. अच्छा एक मिनट रुके, ज़रा सोचते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप भी सोचें. अच्छा जी स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लग रही है ना, सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हम लेंगे टेक टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है. राइट हैंड साइड को ईजी, क्योंकि आसान चीज़ क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो हम ईजीली इसको इसमें ला सकते हैं. तो लिहाजा टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेते हैं. राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे दी हुई है वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, ठीक है. इसका हम सोल्यूशन करें कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए. तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ऐसा. तो सबसे पहले ज़रा देखिए यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए. एक प्रॉपर्टी क्या थी कि एक मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो दोनों सेम होगा, सही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे. तो ट्रांसपोज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो ट्रांसपोज में हम क्या कहते हैं, जो रोज होती है उनको कॉलम बना देते हैं. तो ये रोज थी, इसको कॉलम बना दें. ये जो रोज थी इसको सबसे पहले कॉलम बना दें, सही जी. और ये जो रोज थी इसको सबसे पहले कॉलम बना दें. सबसे पहला जो हमारा काम था कि भाई जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होता है उसका डिटरमिनेंट सेम ही होता है, सबसे पहले हमने काम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कर लिया डिटरमिनेंट की.
अब इसके बाद जरा देखें, क्योंकि आपको पता है हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो ज़रा देखिएगा हमें क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि अब इंटरचेंजिंग करता हूं, ठीक है जी, इंटरचेंजिंग अगर मैं रो, सबसे पहले मुझे ए बी सी ऊपर चाहिए, तो ए बी सी वाली लाइन मेरे पास ये है, ठीक है, कॉलम ये रो टू है, तो इसको मैं इंटरचेंज किससे करता हूँ, इसको इंटरचेंज करता हूँ मैं इससे, रो टू को चेंज करता हूँ रो, और रो वन को चेंज करता हूँ रो टू से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई इंटरचेंजिंग या इंटरचेंजिंग ऑफ रो टू बाय रो वन, ठीक है ना, रो टू मेरे पास ये रही, इसको चेंज करेंगे एक दूसरे से। ये क्यों करें, ताकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है वो हमारे पास प्रूव हो जाए। तो ज़रा देखते हैं, तो भाई बी ऊपर चला गया, ए और सी, वाई एक्स एंड जेड, पी क्यू एंड आर, सही जी, सिंपल। अब आपको पता है जब हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो वो नेगेटिव साइन आ गया, सही है, ये वाली बात भी हो गई कंप्लीट जी, बिल्कुल हो गई। अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, सबसे पहली चीज़ थी कि भाई ऊपर ए बी सी वाली लाइन होनी चाहिए, चलो ए बी सी आ गया, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड वाली लाइन होनी चाहिए, चलो एक्स वाई जेड भी आ गया, और नीचे पी क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, पी क्यू वैल्यू आ गई, समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट आपको पता है कि ए सबसे पहले चाहिए ना, ठीक है ना, ए पहले चाहिए, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, इसका मतलब ये कि अगर मैं कॉलम टू एंड कॉलम वन को इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई इंटरचेंजिंग, ठीक है जी, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम टू बाय कॉलम वन, कॉलम टू को कॉलम वन से चेंज करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा क्या बनेगा, माइनस वन ऑलरेडी लिखा था क्योंकि हम अब साइन उनकी कॉलम चेंज किए हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो भाई माइनस का साइन आता, तो वो माइनस का साइन लगाया, तो भाई कॉलम टू कॉलम वन बन गई, सही है, और ये कॉलम टू जो थी कॉलम वन बन गई, ये हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया सी जेड आर। अब बच्चों ज़रा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, सही है जी, और उसके बाद आपके पास बाहर अंदर क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बेहतरीन, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, कैसे, जबरदस्त, कि भाई सबसे पहले हमने इन दोनों को लेना था, इसका सोल्यूशन करना था, सबसे पहले हमने क्या किया कि इनके जो वो थे, क्या बोलते हैं इसका ट्रांसपोज, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद इंटरचेंजिंग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम अपना आंसर सेम लेके आ गए हैं। तो जरा देखें, जो बिल्कुल ये चीज थी वही आ गया, ए बी सी ए बी सी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, पी क्यू आर पी क्यू आर, तो ये आपने प्रूव कर लिया। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दो को लेंगे, ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वाली साइड पे, सही है, इसको यहाँ पे चेंज, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, तो मेरे ख्याल से इसी पेज पे हो जाएगा जो नेक्स्ट पार्ट है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट वी टेक हमने ये लिया था, ठीक है, इनको ले लिया था, अब नाउ नाउ लिख दें या देन लिख दें, ठीक है ना, जो आपका दिल करे देन, अब देन ये आएगा, अच्छा जी, अब हम देन लिख दें या नाउ लिख दें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को लेंगे, सही है, तो चलें जी आइए लेते हैं। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, मैंने मैट्रिक्स का साइन डाल दिया, इसको काट दें और यहाँ पे लिखें सबसे पहले ए ए बी सी, फिर सॉरी गलती करती बेटा, कितनी गलतियाँ करता हूँ मैं, अच्छा तो सबसे पहले लिखना है ए बी सी, फिर उसके बाद लिखना है एक्स वाई जेड और उसके बाद लिखना है पी क्यू आर, सही है, ये किसके इक्वल आएगा, इसको और इसको अब ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, अब ये और ये आ रहा है, तो ये किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के, सही जी, और फिर इसके बाद क्या है, पी क्यू आर पी क्यू आर, और फिर इसके बाद क्या है, ए बी सी, सही जी। तो भाई ये आपको दिया गया है, अब आप इनको सोल्व करना है और बस ये प्रूव करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जरा देख लेते हैं, टेक राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि ये इजीली इसको सोल्व करना, ये फॉर्म बनाना आसान है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए इसका ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे पास ये फॉर्म बन जाए, तो बेटा इसी में तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें हम एक साथ ही करते हैं काम, क्या कि भाई रो इंटरचेंज, ठीक है ना, इसको जरा देखिएगा, अगर मुझे ए बी सी सबसे ऊपर चाहिए ना, ठीक है ना, ये चीज़ है, ये लिखी हुई है, अगर मैं ए बी सी इंटरचेंज क्या करूँ, इंटरचेंज करता हूँ, जरा देखिएगा, इंटरचेंजिंग ये रो थ्री, इंटरचेंजिंग रो थ्री बाय रो
रो है बेटा, ये रो है, आ रहेगा रो थ्री बाय रो टू, ठीक है, रो थ्री ये रो टू से इंटरचेंज करूंगा, ठीक है। तो चलिए जी एक करते हैं, सही है जी। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक्स वाई जेड तो इंटरचेंज करना है, तो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है जी। आपको पता है रो जब इंटरचेंज होती है तो ये माइनस का साइन आ जाता है, सिंपल, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपके पास क्या ये फॉर्म बन गई जी, नहीं बनी, तो अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इंटरचेंज करूं रो टू को रो वन से, ठीक है ना, रो वन इंटरचेंज बाय रो टू, तो एबीसी ऊपर आ जाएगा और एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, तो भाई एबीसी ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा और पी क्यू तो नीचे आ गया है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, सही है। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा कि भाई इंटरचेंजिंग, ठीक है, देख इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो टू बाय रो वन, ठीक है ना, रो टू को रो वन से चेंज करेंगे। तो चलिए यही करते हैं, तो ये माइनस वन ऑलरेडी लिखा था, माइनस वन अब लिखेंगे क्योंकि अब हम अगेन इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है जी, तो हम इनकी इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया, आपको पता है माइनस माइनस इंटू प्लस का वन, और उसके बाद ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब बच्चों जरा देखो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो हिंस आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया, बिकॉज क्योंकि आपकी जो लेफ्ट क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो सिंपल बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में हमें ये चीजें प्रूव करनी थी, तो सबसे पहले हमने इनको दोनों को प्रूव किया, दोनों प्रूव हो गए सिंपल, और उसके बाद फिर इनको इसके इक्वल किया गया, तो इंटर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।